भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला मुंबई के वांखड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में ये मुकाबला भारत के नाम रहा। रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 2 रन से मात दी। पहले टी20 में 23 गेंदबाज शिवम मावी ने घातक गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए। इस ड्रीम डेब्यू के बाद वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल से वो इस पल का इंतजार कर रहे थे। मावी के अलावा उमरान मलिक और हर्षल पटेल ने 2-2 विकेट लिए। मैच के बाद मावी ने कहा, लैंडिंग जोन थोड़ा फिसलन भरा था। अंडर-19 विश्व कप खेलने के बाद 6 साल तक इस समय का इंतजार कर रहा था। उन 6 सालों में मैंने कड़ी मेहनत की है, चोटिल भी हुआ। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मेरा सपना सपना ही रहेगा, लेकिन मैं उस पर कायम रहा। IPL खेलने के बाद घबराहट थोड़ी कम हुई। मावी ने कहा कि मैच के दौरान नर्व्स कंट्रोल में थे और घबरा नहीं रहा था, क्योंकि अगर आप IPL खेल चुके हैं तो आपको पता होता है कि आपका रोल क्या है और क्या करना है। पहला विकेट मेरा फेवरेट था। 24 साल के मावी ने सबसे पहली बार 2018 अंडर-19 विश्व कप में ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस 23 गेंदबाज ने कमलेश नागरकोटी के साथ उस टूर्नामेंट में घातक जोड़ी बनाई थी और टीम इंडिया को चैंपियन बनाया था। अंडर-19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद उसी साल शिवम मावी को IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। हालांकि आगे की राह आसान नहीं थी, क्योंकि चोट ने उनके करियर को काफी प्रभावित किया। वो एक लंबे रिहैब से गुजरे और धीरे धीरे वापसी की। IPL 2023 की नीलामी में मावी को हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस ने 6 करोड़ रुपए में खरीदा था। वो IPL 2023 ऑक्शन के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर भी थे। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में किसी भारतीय डेब्यूटेंट द्वारा ये तीसरा सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है। मावी के अलावा दीपक हुड्डा, ईशांत किशन और अक्षर पटेल की पारियों की बदौलत भारत ने श्रीलंका को हरा दिया और 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। देखिए, साथ ही हमारे चैनल स्पोर्ट्स बीट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।